हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राधिका वैद्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद राधिका वैद्य। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी और आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ मीशो हॉल शेयर करने वाली हूँ। इसके अंदर मैंने एक कॉटन का कुर्ता सेट परचेज करा है जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, और कुछ प्रोडक्ट भी परचेज करे हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ करा है वो एक ये कॉटन का कुर्ता सेट मैंने परचेज़ करा है। बहुत ही सुंदर ये कुर्ता सेट है और ये 3-पीस कुर्ता सेट है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ये एक कुर्ता मिलता है। बहुत ही सुंदर इस कुर्ते का डिज़ाइन है। ना ही ये स्ट्रेट कुर्ता आपको मिलेगा और ना ही अनारकली ये कुर्ता आपको मिलेगा। तो मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये आप पहले देखिए, इस तरीके से आपको ये इसका नेक मिलता है। ऊपर की तरफ में आपको ये राउंड मिलेगा और नीचे की तरफ आपको ये इस तरीके से इसका ये डिज़ाइन मिलेगा। पूरे ही नेक पे आपको गोटा पट्टी का वर्क आपको मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है। और इस तरीके से आपको इस पे ये प्रिंट मिलेगा, इस पे ये फ्लावर का से इस तरीके से प्रिंट बना हुआ है। और इस पे जो ये गोल्डन कलर का भी आपको थोड़ा सा काम मिलता है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है। और 3/4 आपको इसके अंदर स्लीव्स मिल जाती है और स्लीव्स के अंदर भी आपको इसी तरीके का गोटा पट्टी का काम मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं। और नेक के बाद ये जो आपका योग पार्ट है, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये चुन्नटें बना के दी गई है। और यहाँ पे ये एक आपको डोरी मिलती है। ये डोरी आपके ही सिर्फ शो के लिए है, बाकी इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है कि इससे आपका कुर्ता टाइट हो जाता है या थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। और ये देखिए, बाकी कुर्ती पे आपको नीचे की साइड में इस तरीके का पूरा घेर मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। इसका जो लुक है ना, वो आपका अनारकली वाला जो सूट होता है उस तरीके का लुक आ रहा है, लेकिन ये है नहीं अनारकली वाला सूट। और साइड में आपको इस तरीके से इसके अंदर स्लिट मिलेगी, और इसके अंदर आपको जो ये साइड स्लिट दी गई है उस पर भी आपको इस तरीके से ये बॉर्डर लगा के दिया गया है। पूरे ही स्लिट पे आपको इसी तरीके का सेम बॉर्डर मिलेगा। और ये देखिए, दोनों तरफ ही आपको साइड स्लिट के अंदर ये बॉर्डर लगा के मिलता है। और ये देखिए, नीचे की तरफ भी आपको सेम इसी ही तरीके का बॉर्डर लगा के दिया गया है, और बॉर्डर के ऊपर भी आपको ये गोटा पट्टी का इसके अंदर काम मिलता है। ये देखिए, पूरा आप देख सकते हैं कुर्ते को, पूरा कुर्ता आपको इस तरीके से मिलता है। जैसे कुर्ते पे आगे आपको प्रिंट दिया गया है, बैक साइड में भी आपको सेम उसी तरीके का ही प्रिंट मिलेगा, लेकिन बैक साइड में आपको कोई भी गोटा पट्टी का वर्क नहीं मिलेगा। और नेक पे आपको इसके अंदर एक ये बटन भी लगा के दिया गया है और ये ओपनेबल। इसका साइज जो मैंने परचेज किया है, ये 2XL साइज में मैंने इसको परचेज करा है। और इसके अंदर आपको एक ब्लू कलर भी था, वो लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको इसका दुपट्टा मिलता है। दुपट्टे पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर काम किया गया है। दुपट्टे पे भी आपको पूरे ही दुपट्टे पे गोटा पट्टी का काम किया गया है। ये देखिए, इस तरीके से पूरी फुल लेंथ का ये दुपट्टा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, स्टॉल नहीं है, पूरा फुल लेंथ का ये दुपट्टा दिया गया है। इस तरीके से आपको पूरे ही दुपट्टे पे गोटा पट्टी का काम किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और दुपट्टे की जो विड्थ दी गई है, इस पे देखिए, इस तरीके का काम आपको देखने के लिए मिलेगा जैसा कुर्ते में बॉर्डर लगा के दिया गया था और गोटा पट्टी का काम किया गया था, सेम उसी ही तरीके का इसका भी काम किया गया है। और ये इस कुर्ते की पैंट दी गई है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की ही सेम ही पूरे ही सूट सेट में सेम ही प्रिंट बना के दिया गया है, कुछ अलग अलग नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से आपकी ये पूरी फुल लेंथ की पैंट दी गई है, और जैसा बॉर्डर आपके सूट और दुपट्टे में दिया गया है, सेम वैसे उसी तरीके का बॉर्डर आपके ये साइड में आपकी पैंट पे आएगा। और पैंट के नीचे की साइड में ही आप देख सकते हैं इस तरीके का गोटा पट्टी का काम किया गया है। और इसकी पैंट में आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलेगी। हाँ जी, तो पैंट के अंदर आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलती है। तो ये कुर्ता सेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन का फैब्रिक हमें दिया गया है। और इस कुर्ते को अगर आप फेस्टिवल्स पे भी अच्छे से रेडी होके अगर वेयर करते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो मुझे तो ये कुर्ता सेट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको भी ये कुर्ता सेट पसंद आता है तो आप भी इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज करा है, वो मैंने इस तरीके से ये पोटली बैग को परचेज करा है। ये आप देख सकते हैं, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे हैं। और इस तरीके के जो पोटली बैग होते हैं, इनको यूज़ करना मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। चाहे आप इनको सूट के साथ भी वेयर कर सकते हैं, अगर आप साड़ी पहनते हैं तब भी आप इनको ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये दो परचेज़ करे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट आपको इस तरीके से ये येलो कलर का मैंने एक ये पोटली बैग परचेज़ करा है। बहुत ही सुंदर अच्छा इसका फैब्रिक हमें दिया गया है।
ये देखिए इस तरीके से आपको जो इसका फैब्रिक मिलता है ना, ये जूट का फैब्रिक मिलता है और इस पर ये पिकॉक बना के दिया गया है और ये वुड का पिकॉक बना के दिया गया है, ये देखिए इस तरीके से आपका। तो और साइड में आपको ये इस तरीके से गोटा पट्टी के काम किए गए हैं और ये इसके अंदर ये नीचे ऐसे लगा के दिए गए थे, ये मेरे अभी घर पे ही निकले हैं। तो आप इसको अगर जब अगर आप परचेज़ करते हैं तो आप इसको खुद भी थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं तो ये इजली टाइट हो जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से आपको इसके अंदर ये रेशम की डोरी मिलेगी दोनों तरफ आपको, और उसके अंदर भी इस तरीके से ये टेसल्स लगा के दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा और सुंदर ये मुझे पोटली बैग लगा इस तरीके से। ये देखिए आपका ये पोटली बैग यहाँ से जो इसकी डोरी दी गई है यहाँ से टाइट हो जाता है, और जो इसका ये ऊपर का जो हमारा ये पकड़ने का दिया गया है जिसको हम हैंग करते हैं, तो ये देखिए इस पर कितना ही सुंदर काम किया गया है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा ही मोतियों का इस पर काम किया गया है और कितनी लेयर इसकी दी गई है, 3, 4, 5, 6 लेयर इसके अंदर ये आपकी मोती की पर्ल की दी गई है। सेंटर में इस तरीके से इस पर डिज़ाइन दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें फिनिशिंग से काम किया गया है। तो मुझे ये पोटली बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरीके के जो पोटली बैग होते हैं इनको आप साड़ी पे भी वेयर कर सकते हैं, और अगर आप सूट पहनते हैं तब भी आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पोटली बैग पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। और ये देखिए नेक्स्ट मैंने ये पिंक कलर को परचेज़ करा है, थोड़ा सा डार्क है, इसको मजेंटा कलर कहेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से आपको सेम उसी ही फैब्रिक का, जूट फैब्रिक का ही ये पोटली बैग आपको मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको सेम उसी ही तरीके की रेशम की ये डोरी दी गई है, और साइड में इसके अंदर भी आपको ये हैंगिंग लगा के दी गई है, और इसके अंदर भी जो आपका ये पिकॉक का डिज़ाइन बना के दिया गया है ये भी वुड का इसके अंदर पिकॉक लगा के दिया गया है, और ये गोटा पट्टी लगा के दी गई है। तो काफ़ी, और बैक साइड से आपको ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्लेन मिलता है। तो अगर आपको भी ये पोटली बैग पसंद आते हैं तो आप भी इनको ज़रूर बाय कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ करा है ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको परचेज़ करा है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इस पर ये वूल का काम किया गया है और पर्ल का काम किया गया है, और नीचे ये आपको इस तरीके से इसका डिज़ाइन मिलेगा जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने इनको बाय किया। और अगर आप चाहे तो इनको अपनी हल्दी पे भी पहन सकते हैं, मेहंदी पे भी पहन सकते हैं, या अगर आपके घर में शादी है या फेस्टिवल्स है आप तब भी इनको इजीली वेयर कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से आपको इसके अंदर एक ये थ्रेड मिलता है जिससे अगर आप इसको बांधना चाहते हैं थोड़ा सा टाइट करने के लिए तब भी आप इसको पहन सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा तो ये आपके दोनों हैंड में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पहनने के बाद ये और भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ही था। तो अगर आपको ये भी पसंद आते हैं तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ करा है, मैंने एक ये जूती को परचेज़ करा है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये पिंक कलर की जूती को परचेज़ करा है जो देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इस जूती पे जो काम किया गया है वो मिरर का काम किया गया है। ये देखिए आप इस तरीके से इस जूती पे जो काम किया गया है पूरे मिरर का और मोतियों का काम किया गया है जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इस तरीके से आपको पूरी जूती मिलती है, और साइड में भी आप ये देख सकते हैं इस तरीके से थ्रेड का, सिल्वर थ्रेड का काम किया गया है, और बैक साइड में भी आपको सेम इसी तरीके का जैसे आगे काम किया गया है ना, बैक साइड में भी आपको सेम इसी तरीके का काम किया गया है मिरर का और मोती का। तो देखने में जूती बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में थी, क्योंकि जो इस तरीके की जो जूतियाँ आती हैं ना काफ़ी कॉस्टली इन जूतियों की प्राइस होती है। तो जब मैंने इस जूती को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगी, तो मैंने इसको जब ही बाय कर लिया था क्योंकि मीशो पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लगी और बैक साइड से आपको इस तरीके से इसका सोल लगा के दिया गया है, और बिल्कुल स्लिपरी ये जूती नहीं है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर सोल लगा के आपको दिया गया, तो इसलिए मुझे ये जूती बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके अंदर आपको एक ब्लू कलर भी मिल जाएगा, तो अगर आपको वो कलर भी पसंद आता है तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।